हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ DIY बॉडी वॉश। पाउडर फॉर्म में है ये बॉडी वॉश और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज इस बॉडी वॉश में मैंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा हुआ है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप एक बॉडी वॉश में क्या चाहते हैं कि फ्रेग्रेंस दे, आपकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करे और आपको ग्लो दे, साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो और भी बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पिगमेंटेशन हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं, सन टैन हो जाता है, छोटे छोटे एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है, बम्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में। आपने देखा होगा हमारे पीठ वाले एरिया में या हमारे फ्रंट के एरिया में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं रेड कलर के, ये कपड़ों के रगड़ से भी हो जाते हैं, पसीने से हो जाते हैं, धूल धक्कड़ से हो जाते हैं, काफ़ी तरह की गंदगी से ये हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं जिनका इलाज हमें नहीं मिल पाता है। अगर हम सोप भी यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश नॉर्मल किसी भी कंपनी का हम यूज़ करते हैं, तो उससे इन सब प्रॉब्लम से हमें निजात नहीं मिल पाती है। लेकिन जो मैं आज ये बॉडी वॉश लेकर आई हूँ पाउडर फॉर्म में DIY, इसमें आपको हर एक प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी टैनिंग भी दूर हो जाएगी, आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी दूर होगी, पैचेस की प्रॉब्लम ख़त्म होगी, आपको ग्लो भी आएगा, पिंकिश ग्लो भी मिलेगा आपको। साथ ही साथ अगर आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो चलिए, मैं आगे समय ना वेस्ट करते हुए इसको प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट करती हूँ और साथ ही साथ आपको इसके फ़ायदे भी बताते जाऊँगी कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट आप मिला रहे हो, पहली बात तो जितने इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए जाएंगे सब एकदम नेचुरल हैं। कुछ भी मैंने ऐसा इसमें नहीं मिलाया जो केमिकल युक्त हो, सब कुछ ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। और उसके अलावा मैंने अच्छे ब्रांड के पाउडर यूज करे हुए हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं घर में पाउडर वगैरह बना पाऊँ, इसलिए मैंने किसी अच्छे ब्रांड की चीज़ों को ही यहाँ पे यूज किया हुआ है। आप चाहो तो घर में भी बना सकते हो पाउडर्स, जितने भी पाउडर। लोग बॉडी की केयर करना भी उतना ही पसंद करते हैं जितना हमें अपने चेहरे की केयर करना अच्छा लगता है। हम लोग डेली स्किन केयर रूटीन में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रोज़ अपनाते रहते हैं कि आज ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे बॉडी फेस का क्लीनअप करेंगे। वैसे ही हमें बॉडी के क्लीनअप के लिए भी सोचना पड़ता है कि आज हम ऐसा क्या करें कि हमारे टैनिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, डार्क पैचेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, सन टैन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। उसके लिए हम उबटन तैयार करते हैं, कभी ऑयलिंग करते हैं अपनी बॉडी पे, लेकिन इन सब चीज़ों में क्या समय हमारा लगता है। लेकिन कभी कभी हम लोग करते तो हैं बट बोर हो जाते हैं इस प्रोसेस में, तो हम उसमें रेगुलरिटी नहीं लाते हैं। अब मैं तो कभी भी किसी भी चीज़ में रेगुलरिटी नहीं ला पाती क्योंकि मुझे झंझट लगता है ये सब चीज़ें प्रिपेयर करना, कि हर रोज़ रोज़ नहाने से पहले इतना सब कुछ ऑयलिंग करो और वेट करो और दुनिया भर का, मेरे से नहीं हो पाता, मेरे जैसी लड़की तो नहीं कर पाएगी। तो जो लोग लेजी होते हैं ना, उनको अपनी बॉडी का ध्यान भी रखना है, साथ ही साथ आपको समय की बचत भी करनी है, साथ में आपको आलस भी ना है, मजे मजे में आपकी बॉडी की केयर भी हो जाए, तो उन सभी लोगों के लिए ये एक तरीके का मैंने उबटन बॉडी वॉश भी आप इसे कह सकते हो, एक तरीके का ये उबटन भी आप कह सकते हो, इसको आप स्क्रबर भी कह सकते हो। इसमें आपको फ्रेग्रेंस भी मिल जाएगी, एक आपको इसको लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद जब आप नहा के निकलोगे तो आपको किसी मॉइस्चराइजर की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब वो आप आगे सब समझ जाओगे कि ऐसा क्यों है, मैं सब बताऊंगी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली मेरे वीडियो को देखते हैं, सर्च करके देख लेंगे बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच राइस फ्लोर लेना है। राइस फ्लोर में आपको ध्यान देना है कि हल्का दरदरा होना चाहिए ताकि वो एज ए स्क्रबर आपकी बॉडी पे काम कर पाए। मैंने तो घर पे ही प्रिपेयर कर रखा है क्योंकि मैं अपने हर एक DIY में इसको यूज करती रहती हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद ही प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हो राइस फ्लोर, लेकिन घर में अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी है। बस आपको चावल को ग्राइंड कर लेना है और फाइन आपको इसका पाउडर बना लेना है, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा एकदम सॉफ्ट पाउडर बन जाए, बस दरदरा पीसना है आपको ताकि छोटे छोटे इसके पार्टिकल आपकी बॉडी पे एज ए स्क्रबर वर्क करें। उसके बाद आपको इसमें ग्राम फ्लोर ऐड करना है, यानी कि बेसन। बेसन हमारे लिए एज अ क्लेंजर वर्क करता है, हमारी बॉडी में क्लेंजर का काम करता है, ये हमारे शरीर में जितने डस्ट होते हैं ना उसको हटा देता है, मैल हटा देता है हमारी बॉडी से,
मॉइस्चराइज भी हमारे बॉडी को रखता है। हमें इसको लगाने के बाद साबुन को लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल क्लेंजर है हमारी बॉडी के लिए। उसके अलावा आपको इसमें जो मिलाना है अगला प्रोडक्ट वो है रोज़ पेटल का पाउडर। रोज़ पेटल का पाउडर आप घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी कंपनी का यूज़ कर रही हूँ, वो कंपनी है गुड वाइब्स की। मैं आपको दिखाती हूँ, गुड वाइब्स का मैंने रोज़ पेटल पाउडर मंगवा रखा है। काफ़ी अच्छा पाउडर ये लोग देते हैं गुड वाइब्स वाले, आपको लगेगा कि हाँ नेचुरल है। स्मेल भी इसकी बहुत ही अच्छी है, एकदम सेम जो चीज़ होनी चाहिए वही है। अगर आप घर में भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ पत्तियाँ लेनी है गुलाब की और उसको धूप में सुखा देना है। जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, आपको पीस के इसका पाउडर बना लेना है, उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास, मैंने पहले भी बताया कि टाइम की प्रॉब्लम होती है, मेरे पास दो हैं, एक और है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास एल्स गुडनेस का, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बता रखा है कि मैं एल्स गुडनेस के पाउडर यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास दो, अभी मैंने उसको ओपन नहीं किया क्योंकि मेरा अभी ये वाला चल रहा है। एक बार खाली मैंने इसको चेक किया था बट अंदर से अभी भी पूरा बंद है, मैंने इसको खोला नहीं है, ऊपर से खाली मैंने ओपन किया था, यूज़ नहीं किया एक बार भी अभी तक, तो मैं यही वाला ही। अब इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके शरीर में एक पिंकिश ग्लो देगा, आपके शरीर में जो भी दिक्कत आ गई है, जैसे पिगमेंटेशन की दिक्कत आ गई है या उसके अलावा आपके शरीर में जो डार्क पैचेस आ गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, उन सब की प्रॉब्लम को ये पाउडर आपका दूर करेगा। इसके बाद मैंने जो इसमें ऐड किया है वो है बीटरूट पाउडर। बीटरूट पाउडर भी मैंने यहाँ पे एल्स गुडनेस का ही यूज़ किया हुआ है। एल्स गुडनेस परफेक्ट कंपनी है, अगर आपको किसी भी कंपनी का पाउडर यूज़ करना है तो मैं एल्स गुडनेस का आपको रिकमेंड करूँगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी देते हैं ये लोग पाउडर्स की और प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल रहोगे आप इसको खरीदने में। 80 रुपये में मुझे ये मिला है 50 ग्राम। बुरा नहीं है अगर हमें घर बैठे बैठे अगर सारी चीज़ें कंप्लीट मिलने, पहले तो ये सब अवेलेबल नहीं होता था, हमें मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब काफ़ी सस्ते दामों में हमें ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। समय हम अपना बचा सकते हैं और हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है, बिल्कुल भी हम इसमें ये नहीं सोचेंगे कि पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी दे रही हूँ, पाउडर बहुत अच्छा है, मज़ा आ जाएगा आपको उसको। बीटरूट पाउडर क्या करेगा, बीटरूट पाउडर आपके शरीर के कॉम्प्लेक्शन को, आपकी बॉडी के कॉम्प्लेक्शन को बढ़ा देगा ये पाउडर आपको। जैसे मान लीजिए आप धूप में आपका ज़्यादा वर्क रहता है, आप बाहर निकलते हैं तो आपका स्किन का कलर डल हो गया होगा पहले से, तो ये उसको एक टोन दो टोन बढ़ा देगा या फिर आपके पहले जैसे कलर में आपका शरीर आ जाएगा, जैसा आपका पहला था वैसे ही आ जाएगा। धीरे धीरे ये आपके शरीर के कॉम्प्लेक्शन को वापस लाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे हमारा शरीर पहले जैसा उसी सेम रंग में आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो गुलाबी निखार मिलता है ना वो भी इससे मिलेगा। अब इसके बाद मैंने आगे यूज किया हुआ है इसमें ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर आपके शरीर में जो एक तो देखिए ऑरेंज पील पाउडर में आपको विटामिन सी मिल जाएगा। विटामिन सी अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हुई है, डार्क पैचेस की प्रॉब्लम हुई है, तो उसको ये शरीर से हटा देगा, एकदम जड़ से ख़त्म कर देगा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को। अगर आपके कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया है, उसको भी ये शरीर से हटा देगा, आपको पहले जैसे स्किन मिल जाएगी आपकी बॉडी की, तो उन सब चीज़ों में ऑरेंज पील पाउडर आपका फ़ायदा करने वाला है। आप एक चम्मच इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपको इसके अलावा अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मैं बता दूँ आपको, यूज़ करते हो आप ग्लो के लिए टर्मरिक को, तो टर्मरिक हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वाइट टर्मरिक। यहाँ पे भी मैंने एल्स गुडनेस की वाइट टर्मरिक को यूज़ किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नहीं, आपको आधी चम्मच ले लेनी है वाइट टर्मरिक, ये आपकी बॉडी में एक नेचुरल खुशबू भी देगी, साथ ही साथ हमारी बॉडी के ग्लो को बरकरार रखेगी, जो भी हमारे शरीर में पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम है उसको हटा देगी, ग्लो देगी, और अगर बैक्टीरियल प्रॉब्लम है हमारे शरीर में तो उसको भी दूर करेगी, हमारी बॉडी से स्मेल की प्रॉब्लम को दूर करेगी, बहुत तरह से ही हमारे शरीर में फ़ायदा करने वाली है। हल्दी तो आप सभी जानते हैं कितने फ़ायदा हो करती है हमारे शरीर को, और अगर वो कस्तूरी हल्दी हो तो हमारे लिए डबल हो जाते हैं। उसके बाद आपको यूज करना है सैंडलवुड पाउडर।
सैंडलवुड पाउडर मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि ये आपकी बॉडी को गर्म रखेगा, ठंडक का एहसास देगा, खुशबू देगा ये आपकी बॉडी वॉश को। तो ये पहले भी आप देखते थे कि पहले के ऋषि मुनि के टाइम पे भी या हमारे से पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो भी ये देसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। नहाने धोने में जो वो ओटन इस्तेमाल करते थे उसमें चंदन ज़रूर मिला होता था, हल्दी ज़रूर मिली होती थी, बेसन ज़रूर मिला होता था। तो ये मैं उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका इस्तेमाल किया है कि पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे जिससे उनके शरीर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती थी और वो हमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते थे बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट को लगाए। हम लोग तो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं फिर भी उनके तरीके नहीं बन पाते और वो लोग बिना कुछ किए भी इतने खूबसूरत दिखते थे, इतनी सुंदर उनकी स्किन रहती थी, इतनी साफ़ सुथरी रहती थी। क्या करते थे आकर वो यही सब नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते थे, तो हमें भी उनके ही हिसाब से चलना चाहिए, तब हम जाके वापस से प्रकृति की सारी चीज़ें पा पाएंगे जो उन लोगों को मिलता था वही हमें भी मिल पाएगा। तो सैंडलवुड पाउडर हमारे बॉडी को काम रखेगा, ठंडा रखेगा, शांत रखेगा, इचिंग की प्रॉब्लम होगी या सनबर्न हो गया होगा उन सभी प्रॉब्लम से ये दूर करेगा, साथ ही साथ आपको ग्लो भी देगा आपकी बॉडी पे। तो यहाँ पे मैंने इसको ज़्यादा नहीं आधा चम्मच के आसपास यूज किया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आप मिलाने के बाद आप उसको अच्छे से खूब चला लोगे, तैयार कर लोगे, मिला लोगे, मिक्स कर लोगे, जिस भी वर्ड में आप समझना चाहो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। एक भी पार्टिकल उसका अलग अलग ना रहे, सब आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाओ और किसी एक रंग में जब वो तैयार हो जाए तो आप समझ जाना कि अच्छे से प्रिपेयर हो गया है आपका पाउडर। आपको बस उसको चलाते रहना है, फेंटते रहना है और जो ग्रैनुल्स बन जाते हैं छोटे छोटे तो उनको भी आप दबा दबा के फोड़ फोड़ के आप उसको पूरा मिक्स कर लो अच्छे से। आप मैं ग्राइंड करने को बोल देती लेकिन इसमें आपने राइस का आटा मिला रखा है, राइस फ्लोर मिला रखा है, तो अगर मैं इसको ग्राइंड करने को बोलूँगी तो वो जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल है ना वो टूट जाएंगे, तो फिर आपके लिए स्क्रबर वाला काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको ग्राइंड करने को नहीं बोलूँगी, अदरवाइज बोल देती। तो आप ग्राइंड मत करिएगा, हाथ से ही या चम्मच से, स्पैचुला से, किसी भी चीज़ से आप इसको चलाते रहना। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक टाइट कंटेनर में, एयरलॉक कंटेनर में, जैसे मैंने इसको प्रिपेयर करके रखा हुआ है, आज मैंने यूज कर लिया इसलिए मेरा कम हो गया है, तो इस ऐसे ही किसी एयरलॉक कंटेनर में आप इसको रख सकते हो। जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी आप नहाने जाओ तो आप क्या करोगे कि एक बोल में एक चम्मच, दो चम्मच, जितना आप एरिया कवर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप ले लोगे। फिर उसमें मैंने कुछ चीज़ें और बतानी है तो ध्यान से सुनिएगा, आपको जब आप इसको ले लोगे एक चम्मच दो चम्मच जितना भी आप क्वांटिटी लेना चाहो, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आपका कोई भी पसंदीदा ऑयल आप ऐड कर लोगे। मैं यहाँ पे ऑप्शनल ऑप्शन आपको दे देती हूँ, आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, जो भी आप चाहते हो ऑयल ऐड करना। मेरे ख्याल से ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट या आमंड ऑयल इज़ द बेस्ट, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया हुआ है, इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब ऑयल यूज़ किया होगा, मान लीजिए एक चम्मच आप ऐड कर लो इसमें। उसके अलावा आप हम इसमें लेमन ऐड करेंगे, लेमन ज़्यादा नहीं, एक चम्मच के आसपास आप लेमन वाटर आप इसमें ऐड करोगे। उससे क्या होगा कि जैसे हमारे एल्बो में या नीज वगैरह में जो डार्क एरिया होते हैं ना उसमें ये आपके फ़ायदा करेगा, वहाँ का धीरे धीरे डार्क एरिया आपका लाइट होता रहेगा इसके डेली यूज़ से। तो आपको यहाँ पे लेमन वाटर यूज़ करना है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने इसेंशियल ऑयल यूज़ किया हुआ है, मैंने यहाँ पे टी ट्री इसेंशियल ऑयल लिया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्ने की जिनकी दिक्कत हो जाती है, बॉडी पे छोटे छोटे पिंपल बम्स हो जाते हैं, उसमें ये टी ट्री ऑयल का इसेंशियल ऑयल वर्क करेगा। तो आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसेंशियल ऑयल के बाद आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करोगे और धीरे धीरे आप उसको मिक्स करके पेस्ट बना लोगे। पेस्ट बनने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि इसमें अभी आपने पाउडर सारे मिलाए हुए हैं, अभी जैसे इसमें पानी जाएगा तो अभी तो आपको लगेगा पेस्ट आपका एकदम अच्छा सा तैयार हो गया, लेकिन जैसे अभी ऐसा नहीं पेस्ट बनाते हैं तुरंत वॉशरूम में घुस जाओगे, टॉवल लोगे, कपड़े लोगे, वॉशरूम तक जाने आने में 15 मिनट तक लग जाएगा, तब तक आपका ये जो पेस्ट होगा ना काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लिक्विडी, थोड़ा सा
आपको थिन पेस्ट इसका बनाना है, जितना मैंने अभी प्रिपेयर किया हुआ है थिन पेस्ट उतना ही थिन आप बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप नहाने जाओगे ये भी गाढ़ा हो चुका होगा, उस समय आपको पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से सारे पाउडर्स में घुल चुके होंगे, फूल चुके होंगे, जिसकी वजह से गाढ़ा हो चुका होगा पेस्ट। तब आप इसको अच्छे से बॉडी पे, पहले आपको क्या करना है, पहले सावर टीचर फिट हो जाएगा, बॉडी को भिगो लीजिएगा पूरे तरीके से, या अगर आप खाली हाथ और पैर वगैरह भी यूज़ करने जा रहे हो तो आप पहले पानी लगा लेना बॉडी में, उसके बाद आपको इसी को पेस्ट को आपको ब्रश की हेल्प से या फिर आपको हाथ की हेल्प से आपको अच्छे से उसको आपको लगाना है, स्क्रब करना है धीरे धीरे करके। धीरे धीरे स्क्रब करने के बाद आपको छोड़ देना है हाथ पे सूखने के लिए, उसके बाद आप उसको पानी से धुल लीजिए। पानी से जब आप धुलेंगे तो आपको आपकी स्किन पे काफ़ी मॉइस्चराइजर फील होगा, काफ़ी सॉफ्ट फील होगा। हाँ, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है जिनके अगर मैल वगैरह की प्रॉब्लम है, मैल नहीं निकल पाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम आने वाला है, क्योंकि इसमें ऑयल ऐड है तो ये हमारी बॉडी से सारे डस्ट को, सारे मैल को हटा देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आपको हाथ पैर को भिगो लेना है, उसके बाद जहाँ पे भी बैक पे या कहीं पे भी आपके इसकी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से अप्लाई करें, स्क्रब करें जहाँ जहाँ तक हाथ जाता है, उसके बाद आपको पानी से वॉश कर लेना है थोड़ी देर छोड़ने के बाद बॉडी पे, उसके बाद दोबारा से आप उसको फिर से अप्लाई करके आप काफ़ी अच्छे से स्क्रब करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपका सारा गंदगी जो पहले से जमा थी, बॉडी पर जमा था, वो सब उसमें निकल जाएगा, आपको खुद फील होगा। तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं, ये एक बॉडी वॉश आपके लिए हर तरह से काम आने वाला है, उपटन के लिए मॉइस्चराइज भी करेगा, बॉडी में एक ग्लो भी लाएगा, फ्रेग्रेंस भी देगा, एक्ने की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, पिगमेंटेशन हटाएगा, डार्क पैचेस हटाएगा, सन टैन हटाएगा, सनबर्न हो गया है तो उसकी प्रॉब्लम को भी आपका सैंडलवुड पाउडर, टी ट्री ऑयल आपको मिलकर दोनों प्रॉब्लम को सॉल्यूट कर देंगे। तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए इस पाउडर को आप ज़रूर तैयार करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में वापस आके ज़रूर लिखिएगा कि आपको इसका यूज कैसा लगा, आपको फ़ायदा किया नहीं किया। दो तीन बार में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, फर्स्ट टाइम में आपकी बॉडी आपको क्लीन महसूस होगी, लेकिन अगर आप ग्लो वगैरह की बात कर रहे हो तो 2 से 3 बार में आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन काफ़ी क्लीन हो जाएगा, काफ़ी क्लियर हो जाएगा, पहले की जैसा हो जाएगा, सन टैन वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, हाथ पैर कहीं पे भी टैनिंग की प्रॉब्लम हो, गर्दन पे कहीं पे भी आप उसको यूज करिए। पैच टेस्ट करके देखना चाहते हैं तो पैच टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है तो आप इसको आराम से यूज करिए। हाँ, बहुत लोगों को लेमन से प्रॉब्लम होगी तो लेमन आप स्किप कर सकते हो, किसी को एसेंशियल ऑयल से प्रॉब्लम होगी तो आप उसको स्किप कर सकते हो, या टी ट्री ऑयल की जगह आप लेवेंडर ऑयल भी यूज कर सकते हो, जैसा आप चाहो। और इनमें पाउडर में से कोई एक पाउडर आप स्किप करना चाहो, कोई भी पाउडर स्किप कर सकते हो, राइस पर मत स्किप करना वरना स्क्रब वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, इसके जगह आपको अगर दूसरी चीज़ ऑप्शनल रखनी है राइस फ्लोर की जगह, तो आप मसूर दाल को एज ए स्क्रबर यूज कर सकते हो, उसको आप पीस के ऐसे ही फाइन पाउडर बना लेना और उससे आप स्क्रब कर सकते हो बॉडी को। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और जिन लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्यूशन दूंगी और आपके कहे हुए के हिसाब से मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।